गल करते हैं लापता लेडीज दी। लापता लेडीज फिल्म जिस नूं दर्शकां दा परवा हुंकारा मिल रहा सी अते हर कोई इस दी तारीफ करता नजर आया सी। हुण तुहानूं दस दईए कि लापता लेडी फिल्म बहुत ही वड्डियां बजट दीआं फिल्मां नूं पछाड़दे होए ओस्कर दी दौड़ दे विच आ गई है। जी हाल फिलहाल ही इह फिल्म नॉमीनेट हुई है ओस्कर दे लई, जिस दे चलदे किरण राओ दी डायरेक्शन दे विच बनी इस फिल्म नूं किरण राओ नूं काफी ज्यादा मुबारकां मिल रहीआं ने। उत्थे ही तुहानूं दस दईए कि आमिर खान दी प्रोडक्शन दे विच बनी सी ते किरण राव ने इस फिल्म नू डायरेक्ट कीता सी। की है उन्हां दा भी कहना, आओ जानदे हां। किरण राव की फिल्म लापता लेडीज नू ऑस्कर अवार्ड 2025 लई भारत की अधिकारित एंट्री वजो चुनिया गया है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सोमवार नू इत्थे इह ऐलान कीता। इस नाल किरण राव का सुपना भी पूरा हो गया है। तुहानू दस दईए कि किरण राव की इस हिंदी फिल्म नू 29 फिल्मां विचों चुनिया गया है, जिस विच बॉलीवुड की हिट फिल्म एनिमल, मलयालम की नैशनल अवार्ड जेतू आतम अते कांस फिल्म फेस्टिवल की जेतू वी ऑल इमेजिन एज लाइट शामिल ने। असामी फिल्म निर्देशक जहनू बरुआ की अगवाई वाली 13 मैंबरी चोण कमेटी ने सर्बसम्मति दे नाल आमिर खान अते किरण राव द्वारा निर्मित लापता लेडीज नू अकैडमी अवार्ड दे विच सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय फिल्म श्रेणी लई चुनिया है। तमिल फिल्म महाराजा, तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 AD अते हिंदी फिल्म सुतंत्र वीर सावरकर अते आर्टिकल 370 वी इस श्रेणी दे विच शामिल होण दी दौड़ दे विच सन। पिछले साल मलयालम सुपरहिट फिल्म 2018 एवरीवन इज हीरो नू ओस्कर लई भारत दी ऑफिशियल एंट्री वजो भेजा गया सी। तुहानू दस दईए कि आमिर खान प्रोडक्शन अते किंडलिंग प्रोडक्शन दे बैनर हेठ बनी लापता लेडीज तो भी काट दे निर्देशन हेठ किरण राव दी वापसी दा संकेत है। इस दी थिएट्रिकल रिलीज तो पहला फिल्म नू 2023 दे विच वकारी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF दे विच प्रदर्शित कीता जाना सी। तुहानू दस दे चलिए कि फिल्म लापता लेडीज दर्शकां वल्लों खूब पसंद कीती गई सी। फिल्म दे अदाकार अपनी अदाकारी लई ते किरण राव अपनी डायरेक्शन लई खूब वाहवाही बटोरदी नजर आई। हुण देखना यह है कि फिल्म ओस्कर अपने नाम कर पाउंदी है या फिर नहीं।